धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी की आगवानी में समूचे बेटवा नगरी सज धज कर बन सवर कर नौ दुल्हन जैसी तैयार हो गई। धन की देवी के स्वागत वंदन और अभिनंदन के लिए घर आंगन और बाजार रोशनी से नहा उठे हैं। आंगन अटारी और ओटलों पर सतरंगी रंगोली से रंग चटक कर आभा बिखेर रहे हैं। दरों दीवार पर सुंदर मांडने उकेरे गए हैं। दिवाली की लड़ियां घरों और प्रतिष्ठानों में रोशनी बिखेर रही है। हर घर में उत्साह पसर गया है, वहीं बाजार में भी जमकर खरीदारी हुई है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। इस दिन सोना चांदी सहित अन्य चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बेहद खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग धन और समृद्धि की देवी देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं। इस दिन को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस पर लोग सोने चांदी और बर्तन की खरीदारी के अलावा भूमि और वाहन की डील भी करते हैं। मान्यता है कि धनतेरस की खरीदारी यदि शुभ मुहूर्त में की जाए तो आपके धन में 13 गुना वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ लोग घर की जरूरतों का इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल फोन वगैरह भी खरीदते हैं। धनतेरस की खरीदारी यदि शुभ मुहूर्त में की जाए तो मां लक्ष्मी आपको सुख समृद्धि और धन वैभव प्रदान करती है और आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है। धनतेरस के अवसर पर बैठमा के बाजार में अच्छी खासी रौनक दिखाई दी, जहां आसपास से आए ग्रामीणों के साथ ही नगर के लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से जमकर खरीदारी की। कई बार नगर के प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बनी। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।